उत्तराखंड में सशक्त भू कानून बनाने और वनों पर अपने पुश्तैनी हक व अधिकार की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में राजनीतिक दलों द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान सभी ने एक स्वर में कहा कि उत्तराखंड में भू कानून बनाने की मांग है, क्योंकि औने पौने दाम पर भू माफियाओं को वहां जमीन बेची जा रही है। इस समय संसद का सत्र चल रहा है और केंद्र सरकार को जगाने के लिए, क्योंकि उनका भी समय जो है 2 साल से अधिक हो गया है, कि जो उत्तराखंड के जो वनाधिकार हैं, जो 2006 का वनाधिकार कानून है उसके अनुसार वहाँ के लोगों को क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार की सेवाओं में वहाँ के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। हमको फॉरेस्ट डॉलर घोषित किया जाना चाहिए। 91% हमारी जमीन जो है वो हमने मानवता के लिए और देश के लिए कुर्बान कर रखी है। जो गैस प्रतिमा एक रसोई गैस का सिलेंडर निःशुल्क मिले, बिजली पानी निःशुल्क हो, जंगली जानवर अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो अगर कोई हताहत होता है तो उसके परिवार के एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपए मुआवजा मिले, वहाँ के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएँ निःशुल्क हों, तब चाहे किसी को विदेश भी पढ़ने के लिए जाना पड़े, तो इन सब मुद्दों को लेकर के और परिवार के एक सदस्य को पक्की सरकारी मिली, जो हमारी पर्यावरणीय सेवाएं हैं और भू कानून वहाँ जिस तरह से ज़मीनों पर सत्ताधारी लोग कब्जा कर रहे हैं, उन ज़मीनों को खुर्द बुर्द करने का काम कर रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से लेकर कर अरुणाचल प्रदेश तक मध्यवर्ती हिमालयी राज्यों के लिए भू कानून बने हुए हैं। खाली उत्तराखंड एक मध्य हिमालयी राज्य है जिसका कोई भू कानून नहीं है, और ये हमने उस समय जब यहाँ विधेयक बन रहा था पुनर्गठन विधेयक, उस समय भी हमने जितेंद्र प्रसाद जी के माध्यम से ये संसद में उठवाने का काम किया था, लेकिन सरकार ने उस समय भी क्योंकि वो बहुमत थे हमारी बात नहीं सुनी। तो अब सही समय है, डबल इंजन है वहाँ भी, उत्तराखंड में भी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। हमारी 40% से ज़्यादा ज़मीन पर आज उत्तर प्रदेश हमारे बड़े भाई का जो है उसने कब्जा कर रखा है। उन सब चीज़ों को लेकर के हम सरकार को जगाने के लिए यहाँ पर आए हैं और मुझे भरोसा है कि सरकार जागेगी, हमें कॉम्पनसेशन प्रदान। आंदोलन से बना हुआ राज्य है और राज्य इस मंतव्य के साथ बनाया गया था कि वहाँ के जल जंगल जमीन पर उत्तराखंड वासियों का हक हो और वहाँ के लोगों को वहाँ की संस्कृति बची रहे और वहाँ के लोग सरसब्ज हो। लेकिन आज राज्य बने हुए 21 साल हो गए हैं, जिस तरह से हम जो है अपने सामने अपने उत्तराखंड की ज़मीनों को बिकते हुए देख रहे हैं और बाहर के लोग जो है जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं वो जो है हमारी ज़मीनों पर जो है कौड़ियों के भाव लेके जहाँ कब्जा कर रहे हैं, इससे जो एक चिंता पैदा हो गई है कि हमारे नौनियालों का भविष्य क्या होगा। हमको बहुत गौण दृष्टि से जो है ये केंद्र की सरकार या राज्य की सरकारें जो बीजेपी की हैं वो देख रही हैं और इससे प्रदेशवासियों में जो है रोष है। हमारी मांग है कि हमारे प्रदेश में भू कानून लागू किए जाएँ जो हमारे उत्तराखंड वासियों के अनुकूल हों, हमारी ज़मीनें बची रहें ताकि जो है हमारा भविष्य सुरक्षित रहे।